प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो आज मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं बताऊंगा। तो वीडियो हमारा प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। तो प्यारे बच्चों हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो इसका आंसर है पहला क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। तो पहली विशेषता है भाई, ये ध्यान रखना है, समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक है। इसमें अर्थव्यवस्था के बड़े योगों व औसतों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही प्यारे ढंग से मैंने आपको बताया। सेकंड है हमारा परस्पर निर्भरता। तो सेकंड विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, परस्पर निर्भरता। इसमें मात्राएं अधिक होती है, इसमें मात्राएं अधिक होती है, इसलिए जब वस्तु में कोई परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु में अपने आप परिवर्तन हो जाता है। नंबर तीन है आय व्यय रोजगार के सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय तथा कुल रोजगार विश्लेषण, कुल रोजगार विश्लेषण का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। तो क्या है भाई, कुल रोजगार तथा विश्लेषण का जब मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, इसीलिए इसको आय व्यय रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। तो नंबर चार विशेषता है प्यारे बच्चों, सामूहिक हितों पर बल। क्या है प्यारे बच्चों, सामूहिक हितों पर बल। तो ये क्या हो गए प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चों व्यक्ति विशेष पर बल न देकर समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति विशेष पर बल न देकर सामूहिक हितों पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों चार विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये विशेषताएं आपके लिए मैंने आज लाया और पढ़ाई। दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है आपके लिए। तो लास्ट चौथी विशेषता क्या है, सामूहिक हितों पर बल। तो प्यारे बच्चों सामूहिक, इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर बल दिया जाता है। तो पहली क्या है, व्यापक दृष्टिकोण। तो प्यारे बच्चों चार विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाई। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना है। थैंक्स, वेरी गुड।